कुसुम कुमारी वार्ड नंबर 3 नगर निगम। अगर आप क्षेत्र में निकलते हैं, जनता से मिलते हैं, तो कौन कौन सी मूल समस्याएं आपको सुनने की मिलती हैं जिस पे आपको विचार करना पड़ सकता है? जैसे कि कहीं गली नली नहीं बना है, कहीं रोड खराब है, आने जाने की लोगों की समस्या है, पानी जमा हो जाता है, तो वो लोग से यही वो लोग बोले कि देखिए हम लोग का इधर कुछ काम नहीं हुआ है। सब लोग बोलते हैं कि करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। बोले इस बार हमको मौका दीजिए और इस बार हम जरूर आपको आशे पे खड़े उतरेंगे। तो जनता आपको सपोर्ट कर रही है? जी हाँ, जनता सपोर्ट कर दिख रहा है कि सपोर्ट जनता आपको कर रही है। खास करके अगर महिलाओं को लेके चले तो जैसे जनता आपको सपोर्ट कर रही है, क्षेत्र में किस किस तरह का समस्या का समाधान करेंगे? जैसे कि छोटा मोटा सिलाई सेंटर महिलाओं लोगों के लिए हम खोलना चाहेंगे, उनके लिए उनके सुविधा के लिए कि कोई इधर उधर ना जाए, अपना वहाँ रहेगा, वहीं से मार्केट में अपना कुछ भी कपड़ा हुआ सेल आउट कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या कौन है जिस पे आप विशेष ध्यान देंगे? सबसे बड़ा समस्या जो सबसे लगता बड़ा है कि समस्या है कि महिला लोग को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है काम वर्क में, और रोड नली गली सड़क ये सब में बहुत बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा समस्या ये। सुनील जी, आप श्रीमती कुसुम जी के पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, आपको क्या लगता है कि मैडम इस क्षेत्र में आ रही हैं तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से विकास हो पाएगा? जी हाँ, महिलाओं के लिए ये और ये आरक्षण सीट है, महिला के लिए है ये जी। तो जाहिर सी बात है महिला है और ये आगे इन पर जनता अगर विश्वास करती है तो ये मतलब कि चुन करके अगर आते हैं तो ये महिलाओं के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे जी जी। और गली नली के तो समस्या है ही, कहीं चैम्बर खुला हुआ है तो कहीं कोई गिर जा रहा है उसमें चलते चलते जी, कहीं रोड पर पानी बह रहा, थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो जल जमाव की समस्या हो जाती है। ज़्यादातर महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवाएंगे, लघु उद्योग मतलब कि लाएंगे, हम लोग के पास खुद मतलब कि अपना जगह है, कहीं से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और उस जगह पर मतलब कि चालू करेंगे, गार देंगे ये कि महिलाएँ इधर उधर ना भटके, किसी के दरवाजे पर मतलब कि छोटा मोटा दूसरे के अंडर में काम करते हैं तो ज़्यादातर सीख करके वो अपना काम भी घर पर स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव एक बार कैंसिल भी हुआ था और फिर से उसका डेट निकल के आया है, तो आपको लग रहा है कि जनता पर जो पकड़ पहले आप बनाए थे एज ए प्रतिनिधि होकर के, वो पकड़ आज भी है जनता पे कि कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है छूटा है? हाँ बिल्कुल, जनता मालिक है और जनता पर हम विश्वास करते हैं, जनता पर भरोसा है और क्षेत्र में मतलब कि घूमते भी हैं, मुझे सब जानते हैं अच्छे से कि हाँ उनको लगता है कि हाँ यह आदमी आगे चल कर के काम करेगा, ये हमारे लिए सब घड़ी खड़ा उतरेगा, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। अभी यानी जनता बदलाव चाह रही है? जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है। फिलहाल सर, आपके क्षेत्र में शिक्षा का और स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? शिक्षा तो अभी समझिए कि बिल्कुल ख़राब है ठीक ना, उसको अपना कम से कम ज़्यादा क्षेत्र में तो हम लोग नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम लोग वार्ड नंबर 3 में जरूर शिक्षा सुधारने की काम करेंगे, उस पर खड़े उतरेंगे। और रह गया स्वास्थ्य की समस्या, तो स्वास्थ्य के लिए जो भी इस अंडर में हॉस्पिटल होगा उस पर मैडम अगर आते हैं तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर हर तरह का कैमरा लगाया जाएगा, हर तरह के CCTV उसको निगरानी में हर तरह से देखा जाएगा कि यहाँ काम हो रहा है कि नहीं, यहाँ मतलब डॉक्टर लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितने मरीज आ रहे हैं और इलाज यहाँ कैसा हो रहा है जी जी। आगामी चुनाव के लिए आने वाले चुनाव में आप जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं चुनाव को लेकर? जी मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मैं कुसुम कुमारी वार्ड नंबर 3 पटना नगर निगम से खड़ी हुई हूँ पार्षद हेतु, एक बार हमें भी मौका देके देखें कि विश्वास पे खड़ी उतरूंगी। मेरा गाँव चिन्ह कलम दवात है, ग्राम संख्या 1 पे है।